My dear students, welcome to Mathological. Let us start the session. So in this session we will be learning number of ways to express a number as a product of factors. वैसे तो ऑलरेडी हम फर्स्ट सेशन से फैक्टर्स में ये बातें समझ रहे हैं, बट इस सेशन में वी बी डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. Now let us say there is a number 24. So this number 24, this is the product. There might be a question: in how many ways can we express 24 as the product of two factors? In how many ways can we express 24 as a product of two factors? So 24 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 into 24, और वी कैन एक्सप्रेस दिस एज 2 into 12 और एज 3 into 8 और 4 into 6. कितने तरीके हो गए? टोटल 4 मेथड्स हो गए. और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 है. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4, बिकॉज इन एवरी प्रोडक्ट देयर आर टू फैक्टर्स. हर एक प्रोडक्ट में 2 फैक्टर्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? दैट विल बी नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2 इन जनरल. इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? सो इन जनरल हमारे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2. और नंबर ऑफ फैक्टर्स मोस्टली इवन ही होते हैं, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो जाएंगे, बिकॉज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमारा स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट आएगा. अगर हमारा नंबर n है, n स्क्वायर है, लेट अस से, तो देयर विल बी मेनी वेज. ठीक है, लेट अस से पहला प्रोडक्ट आ रहा है हमारा a इंटू बी, दूसरा आ रहा है c इंटू डी एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, बट लास्ट में एक प्रोडक्ट आएगा n इंटू n. सो इन दिस प्रोडक्ट n को ही हम 2 बार एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो जाएगा? दैट विल बी सम ऑड नंबर डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा n की वैल्यू है क्या. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. सो लेट अस से क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a इंटू बी दिस इज इक्वल टू 144 एंड फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ a कॉमा b. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ a कॉमा b. सबसे पहले वी विल राइट 144 इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो 144 क्या है? दिस इज 48 इंटू 3 और 16 इंटू 9. 16 है 2 to the power 4 और 9 है 3 स्क्वायर. सो 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर. नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 4 plus 1 इंटू 2 plus 1 विच इज 5 into 3, 15 फैक्टर्स, बिकॉज 144 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है. 15 फैक्टर्स आ रहे हैं. ओके, सो जो 14 फैक्टर्स हैं हमारे, एक्सेप्ट द स्क्वायर रूट, 14 फैक्टर्स तो हमारे 7 पेयर्स बनाएंगे, जिनमें से कि हर एक पेयर में नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमारे 2 फैक्टर्स मिलके 144 फॉर्म करेंगे. तो 7 पेयर्स यानी कि 7 वेज तो यहां से हो गए. एडिशनली 1 फैक्टर विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज 12, वो अपने आप से ही पेयर बनाएगा. 12 into 12 is equal to 144. तो एक तरीका ये भी होगा, एक मेथड ये भी होगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? बट इस बार क्वेश्चन में स्लाइट डिफरेंस है. लास्ट टाइम क्वेश्चन हमारा क्या था कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी एक्सप्रेस 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स. तो नंबर ऑफ वेज हमारे आ गए थे 4, बट इस बार क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए एंड बी व्हाइल इट इज गिवन दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू 144. यानी कि हमने इस बार ए और बी 2 नाम दे दिए हैं, 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं. So this question is slightly different than the previous question. The previous one was unordered solutions वाला केस, because उसमें order का कोई tension नहीं था, क्योंकि में कुछ भी order given ही नहीं था, variables नहीं given थे. That is why that was unordered solution वाला केस. But this question is a case of ordered solutions. Order भी important रहेगा, because A and B given है, तो order important है, फर्क पड़ेगा. अगर हमने कह दिया A is 144, B is 1, तो मिलेगा हमें 144. But अगर हमने कह दिया A is 1, B is 144, दोनों केसेस में हमारे factors तो सेम ही है, 144 एंड 1, बट सॉल्यूशंस डिफरेंट है, बिकॉज फर्स्ट केस में हमारा ए 144 हो रहा है, सेकंड केस में बी 144 हो रहा है. तो दोनों सॉल्यूशंस हमारे डिफरेंट होंगे. वी विल काउंट देम एज 2 सॉल्यूशंस फॉर द सेम ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, फॉर द सेम पेयर ऑफ फैक्टर्स. तो ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस में हमारा ये एक डिफरेंस आएगा. तो 14 फैक्टर्स हमारे बना रहे हैं टोटल 7 पेयर्स, और हर एक पेयर के लिए ऐसे में 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 7 into 2, 14 इन दिस केस। और एक वे होगा जहां पे कि स्क्वायर रूट का एडिशनली एक अपना वे बना रहा है, ठीक है। सो टोटल फैक्टर्स, टोटल वेज कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 14 + 1 15। क्या ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। और ऐसा तो कब हुआ, अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस होता तो फिर आंसर कितना होता हमारा, अनऑर्डर्ड में 7 वेज होते प्लस 1 और वे होता, टोटल 8 वेज होते इन केस ऑफ अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस। और ऑर्डर्ड के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए हमारे 15। ओके, अब क्विकली इस बात को समराइज करते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं इस पे। सो इफ वी आर टेकिंग इन जनरल अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, so in that case number of factors will always be even, so ways to express as a product of factors will be equal to f/2, number of factors divided by 2 in case of unordered solutions, or if ordered variables are given, so ways to express as a product of variables, ठीक है, जहां पे कि वेरिएबल्स लेटर से है ए एंड बी एंड बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, सो ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, इन दैट केस आंसर हो जाएगा हमारा एफ, भाई f/2 रहेगा, और हर एक केस में f/2 into 2, बिकॉज 2 तरीके हो जाएंगे एक्सप्रेस करने के। कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ए एंड बी कैन बी एनी नंबर्स, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने कंडीशन क्या लिया है, दे हैव टू बी पॉजिटिव, बट निगेटिव होना भी पॉसिबल हो सकता है किसी केस में, ठीक है। किसी केस में क्वेश्चन ये भी कह सकता है, यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था that a and b both are positive, both are greater than 0, that was important, ठीक है। और अगर हमें करना है ways to express, also integer भी है, so they are positive integers, ये भी जरूरी है, ऐसे 0 के बजाय greater than 0 तो होना ही होना है, साथ में integer भी होना, fraction नहीं हो सकते। छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन होगा, ठीक है, सो बात को समझना है। सो ways to express as a product of integers, ठीक है, यहां पे वेरिएबल से मतलब था पॉजिटिव इंटीजर्स, बट सेकेंड केस में अगर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स मेंशन करना है, सो इफ बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स तब भी प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, इफ बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स तब भी प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि पहले हमारा लेट अस से 18 को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो फर्स्ट केस में जो हमारा फर्स्ट लेट अस से ए वाले केस में क्या हो रहा है, 18 को वी कैन राइट एज 1 into 18, बट बी वाले केस में क्या होगा, बी वाले केस में क्या होगा, वी कैन राइट दिस एज 1 into 18, अगर नंबर्स हमारे ए एंड बी हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, सो वी कैन राइट दिस एज 1 into 18, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 18 into 1, 2 सॉल्यूशंस आ गए बी वाले केस में। सी वाले केस में फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि अब हमें चाहिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, सो यहां पे हमारे ए एंड बी कैन बी एनी नंबर, एनी इंटीजर, सो दिस कुड बी 1 into 18, दिस कुड बी 18 into 1, दिस कुड बी -1 into -18, दिस कुड बी -18 into -1, है कि नहीं। तो यानी कि यहां पे हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 2 times नंबर ऑफ फैक्टर्स, 2 times नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर के लिए अप्लाई करेगा, क्या तक बात समझ में आती है। तो फर्स्ट वाला हमारा अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन है, और सेकंड और थर्ड ऑर्डर्ड सॉल्यूशन है, दीज आर ऑर्डर्ड सॉल्यूशन। नाउ इफ द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर जो नंबर है हमारा दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, so number of factors will be odd, और यहां पे 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स मेंशन्ड है। सेकंड केस होगा एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, बोथ आर अनऑर्डर्ड वाले सॉल्यूशंस। ठीक है, दोनों केसेस हमारे अनऑर्डर्ड है। एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू एफ, तो एफ प्लस वन डिवाइड बाई टू। यहां पे हमारा इंक्लूड रहेगा स्क्वायर रूट वाला केस, तो दिस इज इंक्लूडिंग इफ परफेक्ट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एन, इंक्लूडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एन वाला सॉल्यूशन। सेकंड केस में एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स जब इंक्लूड करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ एन वाला केस, क्योंकि वहां पे दोनों फैक्टर्स इक्वल होंगे, तो एक्सक्लूडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एन। दैट इज वाई नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू एफ माइनस वन, नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ द नंबर इज 900, सो 900 हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है एक परफेक्ट स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 फैक्टर्स। और एक केस हमारा बनेगा 30 इंटू 30। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, तो उस केस में डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कितने होंगे 26 होंगे। 26 केसेस, 26 टोटल फैक्टर्स हुए हमारे, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को रिमूव किया है, 30 को रिमूव किया है, 26 बाई 2 यानी कि 13 वेज आएंगे हमारे। और एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इंक्लूडिंग 30, हाँ इंक्लूडिंग 30, पहले वाले केस में एक्सक्लूड किया था बिकॉज डिस्टिंक्ट चाहिए थे। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, in this case product of two factors including obviously 30। जब भी distinct mention होगा तब exclude करेंगे, जब distinct mention नहीं होगा तो हमेशा include करेंगे। That will be 27 plus 1 by 2 and hence 14 ways will be there। और ordered वाला approach होगा, अगर ordered वाला approach होगा तो हर एक case में हमारे दो तरीके हो जाएंगे। ठीक है, हर एक case में दो तरीके हो जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर ordered वाली बात करेंगे तो first case में तो हो जाएगा हमारा 26 ways, बट सेकेंड केस में अगर ऑर्डर्ड का केस देखोगे तो अगर हमारे दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हैं, दोनों फैक्टर्स इक्वल हैं, सो इन दैट केस तुम चेंज भी करोगे ऑर्डर तो क्या फर्क पड़ेगा कोई। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 27 ओनली। ये छोटी सी बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आती है? First question, if a and b are positive integers such that their product is 2400, find the number of possible solutions for a and b। So a and b are positive integers और product given है 2400। सबसे पहले इसका prime factorization करते हैं, this will be 24 into 100 और 24 हो जाएगा 8 into 3 यानी कि 2 to power 3 into 3 to power 1 और 100 क्या है 10 का square यानी 2 to power 2 into 5 to power 2, effectively 2 to the power 5 into 3 to the power 1 into 5 to the power 2। ये नंबर हो गया हमारा। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 6 इंटू 2 इंटू 3, 36 फैक्टर्स इन टोटल। 36 फैक्टर्स है। पेयर्स कितने बनेंगे? पेयर्स बनेंगे 18। सो नंबर ऑफ वेज हमारे कितने हो जाएंगे? 18 पेयर्स बने। बट सिंस ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस हैं, ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। So 80 into 2, 36 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, या फिर जितने फैक्टर्स उतने ही सॉल्यूशंस होंगे, स्टेट ऑफ वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, 36 बाई 2 इंटू 2 यानी कि टोटल 36 सॉल्यूशंस होंगे। ओके, क्लियर है। और क्योंकि क्वेश्चन ये भी मेंशन कर रहा था एनबीआर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चलता तो उस केस में 72 हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर 44100 be written as a product of two factors? In how many ways can the number 44100 be written as a product of two factors? So this is a perfect square. साथ में मेंशन है two factors, ये नहीं लिखा है distinct, यानी कि this will include square root as well, नंबर का square root भी include करेगा। 44100 है 21 का square into 100, यानी कि this will be 2 square into 3 square इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टू पावर 4 यानी कि 81 फैक्टर्स इन टोटल। सो 40 पेयर्स प्लस 1, और ये जो 1 है ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है। तो 40 पेयर्स हमारे बनाएंगे, 40 सॉल्यूशंस और एक बनेगा एडिशनल स्क्वायर रूट से। तो 40 + 1, 41 विल बी द आंसर। देयर आर 41 वेज टू डू सो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 to the power 4 into 7 to the power 6 be written as a product of two distinct natural numbers? नेचुरल नंबर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है, डिस्टिंक्ट चाहिए बस, ये एडिशनल कंडीशन है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट चाहिए इस बार। तो कितने आएंगे फैक्टर्स? ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, 5 to the power 4 into 7 to the power 6। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 4 + 1 5 into 6 + 1 7, 35 फैक्टर्स इन टोटल। हमारे काम के कितने होंगे? 35 - 1 और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आ जाएगा टोटल 17 वेज। ऑप्शन ए, 17 वेज विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 to the power 4 into 7 to the power 6 be written as a product of two co-prime numbers? प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, और टू को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी इक्वल टू 1। दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर उनमें नहीं होना चाहिए। यानी कि इस बार सारे के सारे नंबर्स हमें नहीं चलेंगे, वो फैक्टर्स चलेंगे सिर्फ जहां पे कि हमारा जो पेयर है उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि पेयर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा लेटेस्ट नंबर है 48, सो दिस टाइम 48 को लिख सकते हैं हम 16 into 3, बिकॉज 16 और 3 आपस में क्या है? को प्राइम है। बट क्या 8 into 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिकॉज 8 और 6 में कॉमन फैक्टर हमारा 1 नहीं है, 2 है, बिकॉज बोथ आर इवन नंबर्स। सो हमें यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा कि कितने ऐसे तरीके होंगे जिनसे कि वी कैन राइट 5 to the power 7 to the power 6, 5 to the power 4, 7 to the power 6 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। एक तरीका तो हो सकता है कि एक नंबर को 1 रख लो, तो दूसरा हो जाएगा 5 to the power 4 into 7 to the power 6 स्ट्रेट अवे। दिस कुड बी 1 मेथड। सेकेंड मेथड कुड बी एक नंबर को कर लो 5 to the power 4 और दूसरे को कर लो 7 to the power 6। तो क्योंकि एक में 5 की पावर्स हैं सारी की सारी, एक में 7 की पावर्स हैं सारी की सारी, तो ये भी आपस में कोप्राइम होंगे। बट क्या इसके अलावा कोई भी और सॉल्यूशन पॉसिबल है? इसके अलावा कुछ भी और सॉल्यूशन करोगे तो वहां पे कुछ रखोगे 5 की पावर लेट अस से, और मान लिया 7 की पावर 1 रख लिया, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 5 की पावर 1 और 7 to the power 5। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा। बट क्या यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 बन रहा है? क्या ये कोप्राइम है आपस में? बिकॉज फर्स्ट नंबर में भी 5 आ रहा है, तो 5 तो कॉमन है दोनों में, और 7 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 5 into 7 दोनों में कॉमन है, 5 भी दोनों में कॉमन है, 7 भी दोनों कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना है? 35 है। एक्सेप्ट नहीं भी समझते तो भी ये तो समझ रहे होगे ना अभी कि बेसिकली समझते कैसे नहीं होगे, बट पॉइंट इसकी ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 5 as well as 7, 35 भी कॉमन फैक्टर है, तो 1 से बड़े कॉमन फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। सो दीज नंबर्स आर नॉट कोप्राइम, तो दे आर नॉट कोप्राइम। तो ओनली 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें यहाँ पे। 1 विल बी जहां पे कि हमने एक नंबर को 1 रख लिया, दूसरे को लग गया 5 to the power 4, 7 to the power 6, और सेकंड मिलेगा 5 to the power 4 into 7 to the power 6। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं सही, ताकि और क्लैरिटी आ जाए। लेट अस से नंबर होता हमारा 2² into 3³ into 5 to the power 4, और क्वेश्चन बाकी यही होता है कि यहां पे भी हमें इसको लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? सबसे पहला तरीका तो यही हो जाएगा, एक नंबर को 1 बना लो, दूसरे को बाकी सारे नंबर 2² into 3³ into 5 to the power 4। सेकेंड केस हो सकता है कि किसी एक नंबर की सारी पावर्स को सेपरेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल 2², तो दूसरा नंबर हो जाएगा 3³ into 5 to the power 4, या फिर 3³ into 2² into 5 to the power 4। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमेशा 1 रहेगा, बिकॉज एक नंबर की सारी पावर, और नंबर यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये सारी स्टोरी हम कर रहे हैं। 3² into 2² into 5 to the power 4, ठीक है, तो 2 नंबर हो गए हमारे 3³ एंड दूसरा है 2² into 5 to the power 4। नेक्स्ट मेथड हो जाएगा 5 to the power 4 को सेपरेट कर लो, दूसरा नंबर हो जाएगा 2² into 3³। क्या और कोई तरीका है? क्या और कोई मेथड है? क्योंकि अब इसके बाद अगर तुम दोबारा सोचोगे तो तुमने 3³ 5 to the power 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, 2² को राइट हैंड साइड में लिखा, वो तो सेम मेथड हो गया सेकंड वाला। तो इसके अलावा कोई और तरीका पॉसिबल नहीं है, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 4 इन दिस केस। 4 solutions will be there. Is this clear? ठीक है, क्लियर है. Next question. If x and y are integers such that x square into y is equal to 480, find the number of possible solutions of x comma y. तो x and y integers हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को. x and y इंटीजर्स हैं और गिवन है x square into y is 480. This is equal to 480. So first number x square, second है y और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 480. So first number is a perfect square. सबसे पहले 480 को फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. कितना आएगा 16 इंटू 30 और 32 इंटू 15 यानी 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर है यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर, अगर इनको दो प्रोडक्ट की तरह देखो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट है. तो पहला नंबर तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. फर्स्ट नंबर को हमें परफेक्ट स्क्वायर लेना है यानी कि पावर हमारी इवन होगी फर्स्ट नंबर में. तो फर्स्ट नंबर हमारा या तो हो सकता है 2 टू द पावर 0 या फिर हो सकता है 2 टू द पावर 2 या फिर हो सकता है 2 टू द पावर 4 और जो बच गया वो सारा का सारा सेकंड नंबर में हो जाएगा. यानी फर्स्ट केस में सेकंड नंबर होगा 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 यानी 480 इटसेल्फ. सेकंड केस में हो जाएगा 2 क्यूब 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 और थर्ड केस में हो जाएगा 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1. तो ये तीन हमारे तरीके बनेंगे. क्या ये बात समझ में आती है? क्या यहाँ तक क्लियर है? बट क्वेश्चन एडिशनली एक चीज और कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, दे आर नॉट डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर्स. तो एक्स और वाई निगेटिव भी हो सकते हैं. एज पर द क्वेश्चन एक्स एंड वाई कैन ऑल्सो बी निगेटिव इंटीजर्स यानी कैन ऑल्सो बी निगेटिव, है कि नहीं? तो इफ वी टेक एक्स स्क्वायर तो निगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है. तो दिस विल डेफिनेटली पॉजिटिव. जीरो होना नहीं है, जीरो होगा प्रोडक्ट कैसे फिर 480 आएगा. तो एक्स स्क्वायर डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. बट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव होगा? ये तो नहीं कह सकते ना. एक्स तो निगेटिव हो सकता है, एक्स कैन भी निगेटिव. बट इफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव तो और प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो वाई डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? इफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव तो वाई डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. बट एक्स कैन ऑल्सो बी निगेटिव, एक्स कैन ऑल्सो बी निगेटिव. तो हमारे जो तीन केसेस हैं इनको थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख देते हैं. पहला केस है हमारा 2 टू द पावर 0 यानी कि एक नंबर 1 है, दूसरा है 480. दूसरे केस में पहला नंबर 4 है, दूसरा है 120 और थर्ड केस में पहला नंबर 16 है, दूसरा है 30. और ये 1, 4 एंड 16 दीज आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर. तो वाई तो यही रहने वाला है बिकॉज वाई कैन नॉट बी निगेटिव. बट एक्स स्क्वायर कैन बी, एक्स स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव. एक्स स्क्वायर तो यही नंबर है बट एक्स कैन बी निगेटिव यानी कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बना है तो एक्स क्या हो सकता है? एक्स कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 1. वाई एक्स स्क्वायर 4 आया है तो एक्स कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 2. एक्स स्क्वायर 16 आया तो एक्स कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 4. यानी कि हर एक केस में हमें दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं. पहले केस में क्या मिल रहा है? एक सॉल्यूशन है कि एक्स कॉमा वाई में 1 कॉमा 480, दूसरा है -1 कॉमा 480. सिमिलर इन द सेकेंड केस पहला सॉल्यूशन आ रहा है हमारा 2 कॉमा 480, 2 कॉमा 120, 480 नहीं, फॉर एक्स एंड वाई 2 कॉमा 120 और सेकेंड सॉल्यूशन आ रहा है -2 कॉमा 120 और लास्ट केस में आ रहा है एक सॉल्यूशन 4 कॉमा 30 और लास्ट बट नॉट लीस्ट -4 कॉमा 30. टोटल 6 सॉल्यूशंस हैं. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 6. अपने एंड पे भी एक बार ट्राई करके देख लो, समझ के देख लो. ओके, क्लियर है बात? ठीक है. और ऐसा इसलिए क्या? बिकॉज एक्स स्क्वायर था हमारा, दो जो प्रोडक्ट था दो नंबर्स का, एक था एक्स स्क्वायर, दूसरा था वाई. तो वाई तो निगेटिव नहीं हो सकता था. ठीक है, तो क्वेश्चन वॉज वेरी स्पेसिफिक अबाउट द अप्रोच. ठीक है, और एक्स और वाई क्योंकि इंटीजर थे तो निगेटिव होना पॉसिबल था एक्स के लिए और वाई के लिए भी पॉसिबल था. बट क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, जो क्वेश्चन की कंडीशन उनके हिसाब से वाई निगेटिव होगा तो हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं बिकॉज एक्स स्क्वायर भी निगेटिव हो जाएगा उस केस में और वहां पर इमेजिनरी सोल्यूशन हो जाएंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज स्लाइटली मोर ट्रिकी कि एक्स वाई एंड जेड आर इंटीजर्स सच दैट एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड इज 43200. ठीक है, 43200. अच्छा, ये दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड इज इक्वल टू 43200. सो यू टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड. कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. सबसे पहली बात करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और इस बार हमारे प्रोडक्ट क्या है, एक है एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स और जेड की वैल्यू निकालनी है, देन वाई क्यूब इंटू जेड। तो तीन पार्ट्स हमें ब्रेक करना है, जिसमें से कि पहला पार्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड पार्ट इज अ परफेक्ट क्यूब, और थर्ड पार्ट जो भी बच गया, ठीक है, जो भी बच गया 432 इंटू 100, और 432 क्या है 216 यानी 6 क्यूब इंटू 2, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 100, 432 है 216 यानी 6 क्यूब इंटू 2, ओके, और फिर 100 हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो 2 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड। तो तीन नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह देखो इसको, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड, तीन नंबर्स का प्रोडक्ट है, ओके, स्लाइटली डिफरेंट, बट इस वेरिएशन को भी हमने साथ में इंक्लूड किया सो दैट तुम्हें और भी तरह के क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। सो तीन नंबर्स का प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, और तीनों में सबसे ट्रिकी नंबर कौन सा है, वाई क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब बनाना है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और ये नंबर तो कुछ भी चलेगा। तो z में कोई कंडीशन नहीं है, z कुछ भी चलेगा, हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट कर सकते हैं, वाई क्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं, अपना नंबर को ब्रेक करना, यानी कि पावर्स को ब्रेक करना। बट कहां से स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम वाई क्यूब, बिकॉज वाई क्यूब में कंडीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ कंडीशन, नंबर ऑफ केसेस कम मिलेंगे, सो हम स्टार्ट करेंगे वाई क्यूब से, ठीक है, स्टार्ट करेंगे वाई क्यूब से। फर्स्ट नंबर है एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट इज वाई क्यूब, वाई क्यूब को पहले लिख देते हैं, प्रोडक्ट में ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा ना, पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो पहले लिख दिया हमने वाई क्यूब को मल्टीप्लाइड बाई जेड, ओके, और क्या फैक्टराइजेशन हुआ था 2 टू पावर 6 3 क्यूब 5 स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वाई क्यूब है, ठीक है, सो यहाँ पे एक और कंडीशन होनी चाहिए थी जो कि है नहीं, वो कंडीशन ये था, क्योंकि प्रॉपरली हम इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे वो तो है ही है, साथ में दीज आर ऑल्सो ग्रेटर देन 1, ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं लिखी, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन में बहुत सारी कंडीशंस हो जाएगा, बहुत तरह के सॉल्यूशंस आ जाएंगे और बहुत ज्यादा हॉचपॉच हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दे आर ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो अगर हमारे सारे के सारे नंबर ग्रेटर देन 1 है तो फिर 1 तो एक सॉल्यूशन नहीं आएगा किसी भी केस में, ना तो x1 होगा, ना y1 होगा, ना z1 होगा, बिकॉज सारे के सारे ग्रेटर देन 1 है, सारे नंबर हमारे ग्रेटर देन 1 है। पहला केस लेते हैं, वाई क्यूब लेना है, तो अब इस बार 2 टू द पावर 0 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा हमारा, बिकॉज 1 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, 1 से बड़े सारे के सारे नंबर है, तो वी कैन टेक वाई क्यूब, सो 2 का क्यूब हो सकता है, नहीं एक केस होगा 2 का क्यूब, वाई क्यूब है परफेक्ट क्यूब है तो 2 क्यूब हो सकता है सॉल्यूशन, या फिर सेकंड केस में इट कुड बी 2 टू द पावर 6, ये भी परफेक्ट क्यूब है, और वी कैन टेक 3 क्यूब क्योंकि ये भी परफेक्ट क्यूब है, और या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन 2 टू द पावर 6 इंटू 3 क्यूब, यानी कि पावर्स हमारी सारी की सारी 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, बट 5 का पावर कितना है, 5 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 2 है, तो 5 के पावर से हम क्यूब तो नहीं बना सकते, तो पहला केस हमारा आ गया 2 क्यूब, सेकंड केस 2 टू द पावर 6, थर्ड केस 3 क्यूब, और फोर्थ केस हो सकता है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, एंड लास्ट केस कुड बी 2 टू द पावर 6 इंटू 3 क्यूब। क्या यहां तक बात समझ में आती है कि हमने वाई क्यूब के लिए जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे वो सारे के सारे 5 कॉम्बिनेशन को ड्रॉ कर लिया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी हमारे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बाकी है। तो अगर हमने वाई क्यूब को डिजाइन कर लिया 2 क्यूब में, सो अब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, इतना बच गया, ये बच गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड की वैल्यू होगी 2 क्यूब 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, और इसमें से हमें एक्स स्क्वायर को अब बाहर निकालना है, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पावर वहां पे इवन होगा, पावर इवन होगा, सो इट कुड बी 2 स्क्वायर, ठीक है, जेड के बारे में टेंशन नहीं लेना, जेड तो बचा हुआ आइटम आ जाएगा जेड में, तो z एक्स स्क्वायर हमारा 2 स्क्वायर हो सकता है, और इट कुड बी 3 स्क्वायर, और इट कुड बी 5 स्क्वायर, ये तीनों केसेस पॉसिबल है एक्स स्क्वायर के लिए। टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सारे केसेस में z की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी, उसके लिए हमें फर्क नहीं पड़ता है, उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस देखने हैं और क्या केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। जैसे टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर हो सकता है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर कैन ऑल्सो बी टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर। अभी सिर्फ पहला ही केस देख रहे हैं हम लोग, टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर, और इट कैन ऑल्सो बी टू स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर, और इट कैन ऑल्सो बी टू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर। तीन ये केसेस बन गए। पहले हमने एक एक स्क्वायर को इंक्लूड किया, फिर दो दो के कॉम्बिनेशन को इंक्लूड किया, लास्ट में सबको इंक्लूड कर देते हैं, टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर। ध्यान ये देना, इनमें से हर एक केस में जो बच रहा है z की वैल्यू 1 नहीं बचनी चाहिए, बिकॉज z इज ग्रेटर देन 1। तो क्या किसी केस में 1 बचेगी? बिकॉज एक्स स्क्वायर इंटू z है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो इवन इन लास्ट केस जहां पे कि हमने नंबर लिया है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, वहां भी हमारा z विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3, यहां भी z हमारा 6 आएगा। तो बाकी सारे केसेस में तो उससे बड़ा ही नंबर आएगा। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने हमारे? 3 केसेस बने, सिंगल वाले 3 बने, ये वाले, और फिर लास्ट में बना ये वाला, यानी टोटल हमारे 7 केसेस बने फॉर द फर्स्ट सॉल्यूशन। क्या ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, 7 केसेस बने पहले सॉल्यूशन में। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। जब हमने 2 to the power 6 को लिया है वाई क्यूब के टर्म्स में, वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 to the power 6, तब वहां पे कितने केसेस बनेंगे? अब बचा कितना है एक्स स्क्वायर जेड के लिए सेकंड केस में? तो सेकंड केस में बचा है हमारा एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर या तो हमारा हो जाएगा सेकंड केस में 3 स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हो जाएगा 5 स्क्वायर, और इट कुड बी 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। और इवन द लास्ट केस हमें z इक्वल टू 3 मिलेगा। तो यहां पे तीनों सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, ऑल 3 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, 3 केसेस इन द सेकंड केस। क्या ये क्लियर है? थोड़ा सा इनको नीचे करके लिख देते हैं क्योंकि अभी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट 2 केसेस तो एड्रेस हो गए हमारे। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में हमने लिया है वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो बच क्या गया? बच गया हमारा एक्स स्क्वायर इंटू जेड बच गया, दैट विल बी इक्वल टू 2 to the power 6 इंटू 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर या तो होगा 2 स्क्वायर, या फिर होगा 2 to the power 4, या 2 to the power 6, या फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर, और इट कुड बी 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और इट कुड बी 2 to the power 4 इंटू 5 स्क्वायर, और इट कुड बी 2 to the power 6 इंटू 5 स्क्वायर, है कि नहीं? बट अगर 2 to the power 6 इंटू 5 स्क्वायर हो गया तो z कितना बचेगा? z बचेगा 1, यानी कि ये वाला केस एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बाकी सारे 6 केसेस पॉसिबल है, ध्यान से समझ लो। 2 स्क्वायर, 2 to the power 4, 2 to the power 6, 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2 to the power 4, 5 स्क्वायर, ये सारे के सारे केसेस पॉसिबल है। इजंट इट सो? यानी कि 6 केसेस मिलेंगे हमें, जबकि हमारा वाई क्यूब इज 3 क्यूब, यहां पर 6 केसेस मिल जाएंगे। क्या है पार्ट क्लियर? अब लास्ट केस की बात करते हैं, सेकंड लास्ट केस की, क्योंकि लास्ट केस है 2 to the power 6 5 क्यूब। जब हमने वाई क्यूब को लिया है 2 क्यूब 3 क्यूब, तो एक्स स्क्वायर जेड हमारा बच गया, दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब से 3 क्यूब ले चुके हैं, तो बच गया 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू जेड। तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड हमारा अगर 2 क्यूब 5 स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है? दैट कैन बी 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। और इवन इन द लास्ट केस जब हमने सबसे बड़ा नंबर लिया एक्स स्क्वायर, तब भी z हमारा 2 बचने वाला है, यानी कि सारे केसेस एक्सेप्टेबल हैं, सारे 3 केसेस एक्सेप्टेबल हैं। तो आंसर विल बी 3 केसेस इन दिस केस, 7 केसेस इन द फर्स्ट केस, 3 केसेस इन द सेकंड केस, 6 केसेस इन द थर्ड केस, 3 केसेस इन द फोर्थ केस। और अभी भी हमारा लास्ट केस बचा है, दैट इज व्हेन वी आर टेकिंग वाई क्यूब एज 2 to the power 6 इंटू 5 क्यूब। 5 क्यूब क्यों लिया है? 5 क्यूब थोड़ी होगा, 3 क्यूब सॉरी। टू टू पार 6 इंटू 3 क्यूब। अब लास्ट केस में एक बार ध्यान से समझना, अगर 2 to the power 6 3 क्यूब को हमने वाई क्यूब में ही ले लिया तो बच क्या गया? देन एक्स स्क्वायर इंटू जेड, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्यों गलती हो रही है? एक्स स्क्वायर इंटू जेड है, एक्स स्क्वायर इंटू जेड बच गया हमारा 5 स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर इंटू जेड बच गया है 5 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम 5 स्क्वायर भी लेते हैं तब भी z 1 हो जाएगा, यानी कि ये सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल था, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि इस फिफ्थ केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जीरो केसेस, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी कि हमें टोटल सॉल्यूशंस कितने मिल जाएंगे, फर्स्ट में मिले हैं 7, 3, 6, 3, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया 7 + 3 + 6 + 3, टोटल 19 पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर। 19 पॉसिबल सॉल्यूशंस हो गए। क्या ये क्लियर है? क्या ये ऑर्डरिंग समझ में आया, कैसे हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया? ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे आ गए 19। बट इस अप्रोच को ध्यान से समझना है, अपने एंड पे भी एक बार प्रॉपर्ली करके देख लेना। पेपर पे डाउट आए तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं सेशन में। और आई बिलीव जो भी हमने इस सेशन में क्वेश्चन जिसके समझ में होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहा होगा। बट स्टिल अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर करेगा बहुत सारे बच्चों को, तो अपने एंड पे एक बार जरूर इसका शांति से सॉल्यूशन करना। आज नहीं, 2 दिन बाद करना, देखने के 1-2 दिन बाद करोगे, फिर अपने एंड पे समझोगे, बातों को समझ के करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।